हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। फिर सामने लाया हूं नई अपडेट। तो हमारी पहली अपडेट है, द यूनियन गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू रेज द लिमिट फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 49% to 74% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 1.63 लाख करोड़ रुपीस पैकेज फॉर द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्ट सेक्टर्स। सरकार ने कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट है, HDFC बैंक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबेर इकबाल हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द J&K बैंक। HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबेर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज मूव्ड अप टू पोजीशन टू रैंक 24 ऑन ए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑन ऑल की पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF सेड। विश्व आर्थिक मंच WEF ने घोषणा की है कि आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार के साथ भारत ने 2 स्थान की प्रगति की है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74वें स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर द पाउडर मेटलर्जी एंड द न्यू मटेरियल्स ARCI एंड श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम, बोथ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी GSTs हैव जॉइंटली डेवलप्ड न्यू जनरेशन आयरन मैगनीज बेस्ड अलॉय फॉर बायोग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स फॉर यूज इन ह्यूमंस। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों चूड़ी धातुकर्म एवं नई सामग्री यानी पाउडर मेटलर्जी एवं न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र ARCI और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य स्वाभाविक रूप से सड़नशील धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैंगनीज से युक्त उन्नत मिश्र धातु बनाया है। नेक्स्ट है, शिवदास मीना एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव शिवदास मीना को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट एट CSIR सेंट्रल मैकेनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर हैव डेवलप्ड 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट टू कम्बैट द COVID-19। CSIR सेंट्रल मैकेनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर इंस्पेक्शन स्फीयर इकाइयों का विकास किया है। नेक्स्ट, रिसर्चर्स फ्रॉम द हिस्ट्री म्यूजियम डेनमार्क हैव डिस्कवर्ड ए न्यू पैरासाइटिक फंगस स्पीसीज वाया ट्विटर। डेनमार्क के इतिहास संग्रहालय ने शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की घोषणा की है। नेक्स्ट है, ईरान रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री OPEC होसेन कंजमपुर अडबिली पास्ट अवे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC ने ईरान के प्रतिनिधि होसेन कंजमपुर अडबिली का निधन हो गया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ वॉन द इसराइल नेशनल इलेक्शन सिक्योरिंग ए रिकॉर्ड 5th term इन द ऑफिस। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पद पर रिकॉर्ड 5वें कार्यकाल हासिल करते हुए इसराइल की राष्ट्रीय चुनाव को जीत लिया है।